ही उस चीज को देंगे ना आपको घर। कपल क्रिएट कीजिए, इसमें जो भी आपका पेमेंट कर रहा है वो कलर कीजिए, जो भी साउंड आपको अच्छा लगता है वो साउंड कीजिए, और देखिए कि ये कलर आपसे बात कर रहा है। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी मैं आपको उसे सेव कर दूंगा। देखिए वो मगर आपसे बात कर रहा है, आपके साथ सीरियस होने की कोशिश कर रहा है। जब भी किसी चीज की इमोशंस क्रिएट करते हैं वो चीज हमारे घर में जरूर होते हैं, तो इमोशंस के साथ कीजिएगा। देखिए मगर आपको स्माइल करके आपको प्रोटेक्शन के लिए आपको बता रहा है कि किसी भी तरह की प्रॉब्लम होगी। अब आप उसको उस पर्सन को देखिए जिससे आप हैं, और देखिए बगल के कहीं दूर खड़ा हुआ है वो और आपको कुछ हर देने की कोशिश कर रहा है। जो वर्ड्स वो बोल रहा है उसके वो वर्ड्स निकल के वर्ड्स को निकलते हुए देखिए, और देखिए जैसे वो वर्ड्स निकल के आपके बगल की तरफ आते हैं, आपका बगल इतना स्ट्रांग है उस बगल से घटना के ऊपर नीचे दिखता है, उन वर्ड्स को घटना के नीचे गिरता हुआ देखिए। और अगर फिर बहुत ज्यादा हार्श रहेंगे तो ये सोचते हैं जब वो ये चीज आपको बोलता है तो ये बगल इतना फ्लेक्सिबल है, अगर वो वर्ड्स उससे टकरा के थोड़ा भी अंदर जाते हैं तो उतनी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ इतना दूर जाके गिर जाते हैं। और आपका पेपर आपको बोलते हैं सी आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम से घबराने की जरूरत नहीं, मैं आपका सबकॉन्शियस हूँ, मैं आपका भगवान हूँ। आप देखिए कि उस बगल में आप किसी भी भगवान को मानते हैं, उनका हाथ उस बगल के ऊपर है और उसे फाइट फाइट निकल गया जो इस बगल को और स्ट्रॉन्ग करता है, उस स्ट्रॉन्गनेस को देखिए। इसमें एक चीज यह है कि जब भी कोई इंसान आपके कुछ अच्छे के लिए बोलता है तो ये देखिए कि जैसे वो कोई इंसान बोलता है आपके लिए या आपके लिए कुछ लर्निंग का कुछ ऐसा बोलता है जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, तो इस बगल में एक बेसमेंट विंडो खुलती है, एक खिड़की इसमें क्रिएट होती है और उस वर्ड को वो अंदर ले लेती है और खिड़की भी बंद हो जाती है और वो वर्ड आपके माइंड में चले जाते हैं कि ये चीज आपके लिए नहीं होती है, आप इसको फील कीजिए, आपको इससे बहुत फायदा होगा। कीप डूइंग इट। देखिए कि बगल कितना स्ट्रांग है, उसके कलर्स को देखिए, जब भी आपके साथ ये प्रॉब्लम होगी उस बगल को अपने आसपास देखिएगा। अगर आप डेली एक बार इसको अपनी डेली रूटीन में एक बार जब अगर आप कर लेते हैं उसकी प्रोफेशन आपके लिए लाइफ में उन चीजों का इम्पैक्ट नहीं होता है जो कि आपको कर देने की कोशिश कर रहे हैं, आप सुनोगे लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट नहीं। और धीरे धीरे अपनी नॉर्मल कंडीशन